पाठ पहला राजा की दूजी पुस्तक 19 बाप दी 9 तो 11 14 तो 21 31 तो 36 है तक। फिर जो अशूरी राजा ने सुनिया कि कूश का राजा तिरहाक अपनी सेना नाल उस दे विरुद्ध लड़न आ रहा है तो उसने यहूदा के राजा को यह संदेश घल्या, तू अपने परमेश्वर उत्ते झूठा भरोसा रखी बैठा है, तू पक्की तरह जान लै कि वह तैनू मेरे हथों बचा नहीं सकता है, वह यरूशलम नू मेरे कब्जे विच होण तों नहीं बचा सकेगा। तू अशूरी राजा बारे सुन चुका है कि उन्होंने जिस कौम नू चाहिया तबाह कर दिता, फिर तू की मेरे हथों बच जाएगा। राजा हिजकिय्याह ने संदेश वाहकां तों अशूर दे राजां दा वो पत्र लिया अते पढ़िया। फिर उसने वो पत्र मंदर विच लै जा के प्रभु दे सामने रख दिता। तद उसने प्रार्थना कीती, हे प्रभु इसराइल दे परमेश्वर, तू करूबिया उत्ते विराजमान है, तू ही केवल धरती दे सब राजा उत्ते राज करदा है, तू धरती अते आकाश रचे हन। प्रभु तू आप ध्यान दे अते सुन के सनेरेब किस तरह के कुवचन ज्योंदे परमेश्वर दे विरुद्ध कह रहा है, उसने तेरा अपमान किया है। असी जानते हाँ कि अशूरी राजा ने बहुत सारिया कौमां नूं तबाह करके उन्हां दी धरती वीरान कर दिती है, उसने उन्हां कौमां दे देवतियां नूं अग नाल भस्म कर दिता है, पर वह देवते असल देवते नहीं सन, केवल मनुखी हथां द्वारा बनाए गए लकड़ी अते पत्थर दे बुत सन। सो हे प्रभु साडे परमेश्वर, तू साडा बचा अशूरियां तो कर, तां जो संसार दियां सब कौमां दे लोक जानन कि तू केवल प्रभु परमेश्वर है। तद यशाया नबी ने राजा हिजकिय्याह नूं यह कह के घल्या, प्रभु इसराइल दा परमेश्वर इस तरह कहिंदा है, अशूरी राजा सनहरेब दे संबंध विच कीते तेरी प्रार्थना मैं सुन ली है। प्रभु ने सनहरेब दे संबंध विच यह वचन कहा है, हे सनहरेब यरूशलम शहर तेरे उत्ते हस रहा है, वह तैनू ठठे कर रहा है। यरूशलम विच अते सिहोन पहाड़ उत्ते जरूर कुछ लोग बचे रहणगे, अते प्रभु ने यह करन दा फैसला कर चुका है। प्रभु ने अशूरी राजा दे बारे इस तरह कहा है, वह इस शहर दे अंदर नहीं आवेगा अते ना ही इस दे विरुद्ध तीर तक चलावेगा, उस दी सेना दा लोग इस विच ना ढाल लै के इस अंदर आउणगे अते ना ही इस दे चारे पासे मोर्चा बंदी करनगे। सो मेरा वचन है कि वह इस शहर दे अंदर नहीं आवेगा, सगो जिस राहे आया है उसे राहे वापस चला जाएगा। मैं इस शहर दी रख्या अपने लिए अते अपने दास दाऊद दे कारण करांगा। तद उस रात प्रभु दा स्वर्गदूत अशूरी सेना दे विच गया अते उसने 185,000 अशूर आदमी मार दिते। अगली सवेर जब लोकां ने देखिया तां वह सब मर चुके सन। सो इस दे पिछों अशूरी राजा सनहरेब नूं मुड़ गया अते जा के नीनवे विच रहन लगा। ये खुदा दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। संत मत्ती दी अंजील 7 बाब 6 आयत 12 तों 14 आयत तक। पवित्र वस्तां कुत्तियां नूं ना दिओ, ना अपने मोती सूरां अगे सुट्टो, किते ए ना होवे कि ओ उन्हां नूं पैरां थले मित देन अते मुड़ तुहाडे उत्ते हमला करन। इस लई जो कुछ तुसी चाहुंदे हो कि लोक तुहाडे लई करन, तुसी वी उसे तरह उन्हां दे लई करो, क्योंकि यही धर्म विधान अते नबियां दी सिक्ख्या है
तुसी तंग दरवाजे विच्चों दी अंदर वड़ो, क्योंकि वह दरवाजा चौड़ा है अते वह राह सौखा है जो बर्बादी वल लै जांदा है, अते उसदे राही अंदर वड़न वाले बहुत हन, क्योंकि वह दरवाजा तंग है अते वह राह औखा है जो जीवन वल लै जांदा है, अते उसनू लभ लैण वाले थोड़े हन। ये प्रभु दी पाक अंजील है, तेरी महिमा होवे आए मसीहा।